Trent is Trent and Gomez is Gomez. So shit, man, what is going to happen? It's his name is Diogo. Before getting into the video, let me just tell you that this video is sponsored by One Football app. One Football is my go-to app whenever I need to know anything that is happening in world football. So the thing is that there are so many leagues that you follow, and sometimes you don't get to know that which match you can watch on that particular day. You can simply open the app and check out the different fixtures that are there on any particular day. Download the app, check out the description box below. You'll get the link there. Click the link and you can download the app. It's that easy. वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप वेल एंड गुड. बिकॉज़ यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. कल नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड लिवरपूल का मैच था और एफए कप का क्वार्टर फाइनल मैच था, जो कि जर्गन क्लॉप के अंडर हम पहली बार के अंडर क्या बोल रही हूँ जर्गन क्लॉप के नीड जो कि जर्गन क्लॉप के मैनेजेरियल टेन्योर में हम पहली बार पहुंचे थे. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. ऊपर से नॉटिंघम फॉरेस्ट हैव बीन सच अ गुड स्पोर्ट टू बी ऑनेस्ट. जिस तरीके से उन्होंने यू नो कमेमोरेट किया 97 जो हिल्सब्रो डिजास्टर हुआ था, जो 97 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, उनके लिए दैट वाज रियली अप्रिशिएबल व्हाट दे डिड. इवन दो लाइक आई थिंक दैट यू नो द हिस्ट्री दैट इट्स एफए कप का मैच था, सेमीफाइनल्स का, बिटवीन नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड लिवरपूल. जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था तो उनको कमेमोरेट करने के लिए यू नो दे लेफ्ट द 97 सीट्स वेकेंट इन द स्टेडियम. आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग दैट दे डिड एंड इट शुड बी अप्रिशिएटेड. क्योंकि क्या है ना, आजकल ऐसा जेस्चर देखने को बहुत कम मिलता है एंड व्हाट दे डिड इज सो 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 स्वीट. मैच के बारे में बात करते हैं. आई अग्री लिवरपूल का दिन था. नॉटिंघम फॉरेस्ट ने क्या फाइट दिया है, बिकॉज कंसिडरिंग देयर अ चैंपियनशिप टीम, इवन दो दे हैड अ वेरी रिच हिस्ट्री, वो नहीं हम भूल सकते. बट कम ऑन, अगर प्रेजेंट की बात करें तो दे वर प्लेइंग अगेंस्ट अ वेरी वेरी गुड टीम दैट इज लिवरपूल ऑब्वियसली. बट जिस तरीके से उन्होंने फाइट दिया है पूरे के पूरे मैच में, मुझे लग रहा था भाई नहीं लग रहा है ये चैंपियनशिप टीम है. बट दैट इज अ ब्यूटी ऑफ कप्स यू नो, बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन एवरीबडी एंड दे कैन यू नो अपसेट मैचेस. दैट्स व्हाई इट वाज अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड फिक्स्चर. यस, नॉटिंघम फॉरेस्ट कुड हैव वन इट, बट थैंक गॉड इट्स लिवरपूल दैट हैज वन. यू नो व्हाई, बिकॉज सेमीफाइनल्स में इट्स लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी एंड इट्स गोइंग टू बी एज हॉट एज कुड गेट. नॉटिंघम फॉरेस्ट के गेम प्ले की बात करते हैं. देखो, एक फंडा क्लियर था उनका. वो ये था, उनको पता है लिवरपूल हाई लाइन खिलाता है, वो एक ऐसा लॉन्ग वर्टिकल बॉल मारेंगे और वो बॉल से वो हमारा बैकलाइन जो है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि वो रन्स ले पाएं और वो जाके यू नो अपने गोल कीपर को प्रेशर में रखें एंड ऑफसाइड नहीं होना और ऊपर से काउंटर अटैक्स करना था, विच दे डिड वेरी वेरी वेल. क्योंकि क्या है ना, जब ट्रांजिशन करना होता था फ्रॉम डिफेंसिव स्ट्रक्चर टू ऑफेंसिव प्ले, दे डिड इट ब्रिलियंटली. मतलब पता ही नहीं चलता था कैसे ट्रांजिशन हो जाता है. आई थिंक दैट्स वर्थ कमेंटिंग अबाउट इट हियर, बिकॉज दैट एक्चुअली पुट लिवरपूल इनटू अ लॉट ऑफ प्रेशर. और एक और चीज था, जो उनका गोलकीपर है वो बॉल बहुत जल्दी रिलीज कर रहा था, लॉन्ग बॉल्स दे रहा था, क्योंकि हमारा जो बैकलाइन, एक तो वैसे ही हाई लाइन खेलते हैं, ऊपर से ना एक स्ट्रक्चर में नहीं होते जब वो एकदम हम अटैकिंग मोड पे होते हैं. एंड देन क्या होता है, दे हैव द पेसी फॉरवर्ड, तो उससे वो जाके रन्स एंड शॉट्स लेते थे एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ चांसेस बाय दैट. यार शुक्र करो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, शुक्र करो टारगेट पे नहीं रहा, बिकॉज बहुत अर्ली गोल उनका भी आ सकता था. दे वर प्रेसिंग हायर अप द पिच, एकदम एलिसन को ऐसा प्रेशर पॉइंट में डाल देते थे वो. आई थिंक दैट वॉज अ वेरी ब्रिलियंट गेम प्ले बाय नॉटिंघम फॉरेस्ट. बिकॉज अगर बात करें तो थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस लग गया, बिकॉज इट्स एक प्रीमियर लीग टीम है, चैंपियनशिप टीम है, बट जिस तरीके से डिप्लॉय किया पूरे का पूरा टैक्टिक्स, आई थिंक वर्थ अप्रिशिएटिंग. दैट्स व्हाट नॉटिंघम फॉरेस्ट डिड एंड दे डिड इट ब्रिलियंटली एंड कुड हैव वन द मैच बिकॉज़ दे वर सो गुड. आल्सो सपोर्ट फ्रॉम द क्राउड वाज क्रेजी. भाई मुझे लग रहा है लिवरपूल को प्रेशर में डेफिनेटली डाला था उस चीज ने, बिकॉज दे वर सो डैम गुड. द एटमॉस्फेयर वाज वेरी गुड बाय द होम सपोर्टर्स ऑब्वियसली, सो दैट वाज वेरी वेरी नाइस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल. देखो, अगर हम अपने स्टार्टिंग 11 की बात करते हैं, अगर मैं बोलूं फॉरवर्ड्स में, अगर गैस भी लेते तो आई वुडंट हैव थॉट ऑफ हार्वी एलियट देयर. मुझे लगता कि ठीक है यार, तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस हैं, व्हाई नॉट प्ले मिनामिनो. यू नो मिनामिनो इज सो गुड इन कप्स, दैट्स व्हाट वी सॉ इन कैरेबो एंड ही हैज बीन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मिनामिनो फ्रॉम द डे वन. दैट वी सॉ कि नहीं यार, बंदे में फिजिकैलिटी नहीं है, नहीं अब बॉल लूज कर देता है, यू नो फाइनल थर्ड में कुछ वैसा कुछ करिज्मेटिक नहीं कर पाता. तो आई थिंक दैट हैज चेंज्ड. आई एम नॉट सेइंग सिग्निफिकेंटली, बट इट इज चेंजिंग एंड दैट्स फॉर गुड. मिनामिनो इज डूइंग वेरी वेरी वेल, बट उसको नहीं स्टार्ट करवाया हमने. आई हैव नथिंग अगेंस्ट हार्वी एलियट, आई लव दैट गाय, बट द प्रॉब्लम इज जब यू आर गोइंग इनटू अ मैच लाइक दिस, एटलीस्ट गो फॉर समबडी हु नोज द कप गेम्स, यू नो, एंड दैट्स मिनामिनो. दैट्स व्हाई आई वुड हैव गॉन फॉर मिनामिनो. और अगर हम मिडफील्ड की बात करें, यस देयर वाज ऑक्स, देयर वाज कीटा एंड देयर वाज फाबिनियो. व्हाट आई वाज सेइंग वाज देयर आर सम प्लेयर्स जिनके लिए ना मैं कभी भी ऐसा उनका नाम लिख के नोट्स नहीं बनाती उनके लिए, बिकॉज क्लियर है दे आर गोइंग टू परफॉर्म, दे आर दैट गुड. वर्जिल वैन डाइक, मतलब
एक टाइम था स्टार्टिंग में जब ये सीजन शुरू हुआ था, मैं वर्जिल वैन डाइक के लिए बनाती थी कि हाँ उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा. अब जरूरत नहीं है बिकॉज दैट गाय इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट. एंड पर वैसे ही है फबिनियो. हाँ, फबिनियो के कभी कभी अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, बट इतना सा ग्लिच तो बनता है, हो जाता है यार, दे आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल. तो फबिनियो हैज बीन दैट गाय फॉर मी एज वेल, हु इज लाइक नॉन स्टॉप इन दैट मिडफील्ड. आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट फबिनियो, बट देन इट कम्स टू ऑक्सलेट. भाई आई डोंट नो वॉट इट इज, बट वेन एवर ऑक्सलेट प्लेज मैं अंडर कॉन्फिडेंट जाती हूँ कि वॉट वी विल डू, बिकॉज यू नेवर नो विच ऑक्सलेट वुड टर्न अप. बिकॉज आई डोंट थिंक दैट ही हैज इम्प्रेस्ड मी इन एनी मैच जब से वो इंजरी के बाद आया है. एंड आई विश दैट ही डज वेल, बिकॉज वी नो ऑक्सलेट हैज दैट क्वालिटी. बट क्या है ना, जो क्लॉप के प्लेयर्स हैं, मान लो अगर तुम फॉरवर्ड हो तो ये नहीं है कि तुमको सिर्फ आगे ही खड़ना है तुमको बॉल मिलेगा. यू विल हैव टू ट्रैक बैक, तुमको डिफेंसिव ड्यूटीज भी करनी पड़ेंगी. और वो जो ट्रांजिशन होता है वो मैं ऑक्स में नहीं देखती हूँ. लेकिन अगर कल का मैच बोलूँ, आई वोंट से दैट ही वॉज दैट बैड, बट आई वोंट इवन से दैट ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. या ही परफॉर्म्ड वेल, आई वॉज एक्चुअली हैप्पी विद द वे ही वॉज परफॉर्मिंग. एंड देन कम्स कीटा इन दैट मिडफील्ड. देखो, तो अगर एक बंदा है जो कि इस स्क्वाड में कुछ क्रिएटिविटी ला सकता था बिकॉज ट्रेंट वॉजन देयर, इट हैड टू बी कीटा, बिकॉज कीटा इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर. बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर है बंदा. और उसके डिफेंसिव ड्यूटीज के बारे में यार पता नहीं लोग क्यों नहीं बात करते. कल मैंने कीटा को इतना नोटिस किया कि हाउ ही इज डूइंग इन द डिफेंसिव स्ट्रक्चर बिकॉज हिज स्टैट्स आर क्रेजी. तो वो डिफेंसिवली अगर तुम देखो कीटा को, ही वॉज डैम गुड, ही वॉज एक्सेप्शनल. बट जब कीटा फॉरवर्ड मूव करता है यार, इतना इजिली डिस्पोजेस्ड हो जाता था. मतलब क्या ना, आई थिंक ही टेक्स 5 seconds अ लिटिल लॉन्गर ऑन द बॉल. एंड गेम प्ले क्लियर था नॉटिंगम फॉरेस्ट का कि प्रेस करते रहो, उनको बॉल पे सोचने का टाइम देना ही नहीं है लिवरपूल को. दैट्स व्हाट नॉटिंगम फॉरेस्ट डिड. तो जब अगर तुम 4-5 seconds भी ज्यादा दोगे बॉल पे, यू विल बी डिस्पोज्ड. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद कीटा. फाइनल थर्ड में जाके कुछ नहीं कर पा रहा था. मतलब तभी तो क्रिएटिविटी चाहिए था तुम्हारा. एंड आई वॉन्ट से कि हम बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे. टू बी ऑनेस्ट, हमारा गोल बहुत लेट आया, आई नो, बट हम इतने अच्छे तरीके से बिल्डअप कर रहे थे पता शुरू से लेके. पर क्या है ना, वो जो नहीं होता कि बस एक टच चाहिए गोल के लिए, वो नहीं हो पा रहा था. यू कैन से वी वॉन्ट क्लिनिकल इनफ बिकॉज वी गॉट वेरी गुड चांसेस. बस वही है, वो जो लास्ट मिनट का वो जो होता है ना डिसबैलेंस, वो चल रहा था. चाहे तुम वो जोटा की तरफ से गालो, फर्मिनो को क्या 1-on-1 चांस मिला था यार विद द कीपर. या तो वो जोटा को पास भी कर सकता था, बट बहुत हाफ हार्टेड चांस लिया उसने. बट फर्मिनो वॉज वेरी वेरी गुड. क्या बैक हील पास कर देता है. तो प्लेइंग हार्वी एलियट ऑन द राइट, एंड आई डोंट थिंक हार्वी एलियट हैज अ लॉट ऑफ पेस, एंड वी नीड वेरी पेसी विंगर्स. दैट्स व्हाट सादियो माने एंड मोहम्मद साला प्रोवाइड्स. यू नो, देयर वाज दिस वन टाइम जब वर्जिल वैन डाइक वो जो डायगोनल बॉल्स देता है, उसने वो डायगोनल, क्या सही डायगोनल बॉल दिया, लेकिन पे था जोटा खेल रहा. जोटा के पास भी पेस नहीं है, अगर तुम बोलो जोटा नहीं है इतना पेसी. एंड ही वोंट प्ले वेरी गुड इन द एंटायर मैच, बट कहीं ना कहीं से गोल निकाले अगर तुम लगा भाई शिकर है. वी नीड टू हैव अ प्लेयर लाइक जोटा. दैट्स व्हाई आई थिंक एज अ सुपर सब हम उसको यूज कर सकते हैं. बट नहीं, यू कांट डिनाई द पोजिशनिंग ऑफ जोटा यार, जहां पे वो होता है. दैट इज व्हाई वी सी सो मेनी मिसेस कि जोटा कर दे गोल वहां से, ये रहता है. अगर वही बॉल जो वर्जिल वैन डाइक ने बना के दिया था, अगर सादियो माने होता, वो डेफिनेटली एटलीस्ट बॉक्स तक ले जाता. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेसी विंगर्स दैट वी हैव. एंड हार्वी एलियट भी नहीं था, जोटा भी नहीं था, बीच में डिलीवरीज आनी नहीं थी. बट लेट्स टॉक अबाउट सिमिकस. हाउ गुड वॉज सिमिकस मैन. एंड सिमिकस का वो जो गोल, जिसकी वजह से गोल वॉज का असिस्ट था सिमिकस का, वॉज ट्रिमेंडस. आई लव्ड इट. एंड थैंक गॉड जोटा गॉट दैट, वी नीडेड दिस यार. कम ऑन, जब तक कंटेंशन में रहे उतना अच्छा है. एंड वी आर गोइंग गेम बाय गेम, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. कल अगर तुमने नोटिस किया हो, सिमिकस वॉज ट्रेंट. मतलब कहाँ से भी गोल लेने की कोशिश कर रहा है. एक उसने स्टार्टिंग में शॉट लिया था, भाई रह गया वो, अदरवाइज इतना अच्छा गोल होता सिमिकस का वो. तो सीरियसली कल वो ट्रेंट, मिनी ट्रेंट वर्जन था वो. ही वॉज वेरी वेरी गुड. बाकी वर्जिल वैन डाइक एंड कोनाटे का पार्टनरशिप वी हैव सीन अ लॉट मेनी टाइम्स, बट आई स्टिल थिंक दैट कोनाटे एंड वर्जिल वैन डाइक नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. जैसे मार्टिप एंड वर्जिल वैन डाइक हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, उससे पहले हम गोमेज एंड वर्जिल वैन डाइक का पार्टनरशिप देखते थे. उसी तरीके से आई थिंक दैट कोनाटे को कुछ कुछ गेम्स मिलते हैं, एंड यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले इन दैट इलीट लेवल इन एवरी गेम. जैसे ही आया वैसे इतना इलीट लेवल में परफॉर्म करने लगे. सो आई थिंक ही नीड्स मोर गेम टाइम. एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट गोमेज इन दैट राइट फुल बैक पोजिशन. देखो, इफ देर इज वन थिंग दैट लिवरपूल नीड्स इन द डेप्थ ऑफ द स्क्वाड, दैट इज वी नीड अ बैकअप फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड. भाई जो गोमेज भी राइट फुल बैक खेल सकते, दैट्स वाई ही वॉज प्लेइंग देयर. देन देर इज मिलनर ऑल्सो, बट दैट्स जस्ट मेकशिफ्ट प्लेयर्स, राइट? बट वी नीड अ प्रॉपर बैकअप. बट देर इज दिस लूप होल, और वो ये है कि गोमेज इज वेरी गुड एज अ राइट बैक ऑल्सो, बट तुम उससे अगर ट्रेंट जैसी चीजें एक्सपेक्ट करने लग जाओगे, वो नहीं होगा. बिकॉज
Trent is Trent and Gomez is Gomez. So that is how it is going to be. Gomez can't beat Trent and he can't produce that kind of balls if you think that he would. Kya hota hai na, jab Gomez khel raha tha right full back position pe, to kya hota hai, sab sochne lagte hain yaar Trent to na yahan se ball nikal deta, yaar Trent na yahan se cross kar deta Simikas ko and it would have been very good. Yaar Trent ka positioning ekdam byline ke pass hota hai udhar and wo itna sahi se ek pass nikalega and goal ho jayega. But wahi to cheez hai na, phir Gomez acha lagega hi nahi ki wo kya kar raha hai udhar. And I can see Gomez being a backup for Trent because Gomez bhi bahut zyada क्या बोलो यंग है अभी भी प्लेयर, बट वाई वुड ही बी अ बैकअप एंड ही इज गेटिंग अ चांस टू गो टू एस्टन विला एंड प्ले फुल टाइम देयर. तो वो भी है, दैट्स आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट वी नीड अ गुड बैकअप फॉर ट्रेंट. बट ट्रेंट वाले क्वालिटीज वाला मिलेगा वो श्योर नहीं है. ट्रेंट इज एक्सेप्शनल एंड गोमेज वॉज वेरी गुड यस्टरडे इन द मैच. यार डिफेंसिवली गोमेज को तो तुम डाउट ही नहीं कर सकते हो, बहुत बहुत सॉलिड है बंदा. ओवरऑल अच्छा रहा, मतलब आई एम हैप्पी हम जीत गए. ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी हम जीत गए, जैसे मर्जी जीते, बिकॉज इट हैव बीन सो मेनी टाइम्स व्हेन लिवरपूल वॉज एक्सेप्शनली गुड लेकिन हम वो मैचेस नहीं जीतते थे. तो जिस तरीके से भी जीते हैं आई एम हैप्पी. ऑब्वियसली नॉटिंघम फॉरेस्ट वॉज डैम गुड एंड आई डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट वो इतना टफ कंपेटिटर होगा आज कल के गेम में. कल के गोइंग फॉरवर्ड वी हैव सेमीफाइनल्स गेम विद मैन सिटी, वी हैव प्रीमियर लीग मैच अगेंस्ट मैन सिटी अवे उनके ग्राउंड में एथियार्ड में हमारा गेम होने वाला है. सो दिस गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मैन सिटी एंड इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि इट्स क्या बोलूँ, इज इट पॉसिबल फॉर लिवरपूल टू यू नो मेक सिटी लूज इन एवरी मैच दैट वी हैव अगेंस्ट दैम नाउ? नो, ऑब्वियसली नॉट. वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आउट देयर इज मैन सिटी. तो ऑल डिपेंड्स ऑन द टेम्परमेंट ऑन द फाइनल डे, हाउ वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म. बिकॉज आई अंडरस्टैंड जब भी बिग मैचेस होते हैं यूल सी डिफरेंट क्वालिटी अमंगस्ट टीम्स एंड वेन एवर इट्स मैन सिटी वर्सेज लिवरपूल एंड इट्स लाइक आई एम सोल्ड वेन एवर देर इज दैट फिक्स्चर, बिकॉज इट ब्रिंग ड्रामा, इट ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी ऑन द पिच फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड दैट्स वर्थ सीइंग. इट्स सो गुड टू सी अ मैच लाइक दैट. सो ऑब्वियसली वी आर वेटिंग फॉर दैट यार, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत टाइम पड़ा है. अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं बिकॉज एक टाइम आएगा वेन वी आर गोइंग टू बी लाइक शिट मैन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. तो तब तक के लिए रिलैक्स करते हैं, इट्स फाइन, इट्स ऑल गुड एंड दैट्स हाउ लिवरपूल गॉट द विन एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. बट वी हैव टू डू दिस. ओह, हिज नेम इज डियोगो बिकॉज ही गॉट द गोल एंड आई लव द चांस. सो प्लीज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड डू सब्सक्राइब यार, नीचे जाके सब्सक्राइब करो, हिट दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो यार. थैंक यू फॉर वॉचिंग.